अभी मैंने जो मशरूम लबिक ने निकाले थे ना, मैंने लबिक ने देखो अभी मैंने इसे अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया है, लेकिन मैं बनाते वक्त एक और पानी से निकालूंगी। इसमें 5 ऑनियन डालूंगी, मतलब 1.5 किलो के आसपास रहेंगे ऑनियन, वो डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं, पिछली बार गए साल में मिले थे ना, इससे ज़्यादा डबल टिबल मिले थे, टिबल के चौबल मिले थे माशाल्लाह से, पेट भर के खाए थे। अभी तो बहुत कम मिले, देखते। और ये रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इसमें ऑनियन डालूँगी और ज़्यादा ऑनियन, सूखा खोबरा और गरम मसाला, लाल मसाला, हल्दी की बुक्की और थोड़ा सा नमक। और इसमें पानी वगैरह कुछ डालना नहीं है हमें। अभी मैं बताती हूँ आपको, ऑनियन काट के लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ रेसिपी आपको कैसा बनाऊंगी। फिर देखो अभी इसे थोड़ा पानी में और धोऊंगी मैं, थोड़ी मिट्टी है ना निकल नहीं रही है, फिर भी मैंने घस घस के निकाली, इसे देख सकते आप। बहुत कम मिले देखो। देखो गाइस अब हमारा कांदा हो गया लाल, 4 कांदे लिए थे मैंने मीडियम साइज के। देखो मशरूम, अरे मसाले हैं मेरे, हल्का सा क्रिस्पी करना है हमें। एकदम धीमी आज कर देती हूँ अभी। देखो ये मशरूम है, कितनी भी मट्टी धो ना इसकी जाती नहीं है। फिर भी बहते पानी में धोई थी मैं, मतलब ना बाहर धोई थी इसे, अंदर नहीं, मट्टी बहुत थी इसमें। इसे जाली में डाल देती हूँ मैं। लाल मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाल चुकी हूँ, गैस की फ्लेम बहुत फास्ट है, तो बंद करी। थोड़ा वाले को घर की हल्दी धनिया पाउडर वो डाली, थोड़ा सा ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट है। इसमें जाएंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक जाएंगे। ये मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ मैं। देखो अभी मशरूम भी जाएंगे हमारे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पानी की भी कमी ज़्यादा नहीं चाहते, ये
सूखा खोबरा इसमें लास्ट में डालना है। मैं आज कल को देख सकते हैं आप मशरूम की सब्जी कितनी माशाल्लाह से। सिर्फ इसमें एक चम्मच ये डाली हूँ हल्दी पाउडर, देखो इतनी सी डाली हूँ, इतनी सी गरम मसाला पाउडर डाली हूँ, और जो घर में धनिया पाउडर रहता है ना, धनिया जीरा पाउडर वो डाली। अब इसे ढक के पकाएंगे हम तेल ऑयल आने तक, और उसके बाद खोबरा डालेंगे लास्ट में। देख सकते हैं गाइस आप, हमारे यहाँ पे बारिश कितनी ज़ोरदार लग रही है। देखो 4 दिन हुए बारिश बहुत लग रही है, देखो देख सकते हैं आप, देखो देखो रात भर बहुत बारिश लगी, पत्रे भी गलने लग गए हमारे, देखो पत्रे गल गए, क्या कर सकते, बारिश भी बहुत है। देखो गाइस हमारे इधर थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बहुत हवाएं छुटी है, देखो पेड़ उड़ रहे, पेड़ उड़ रहे नहीं है हिल रहे, सॉरी, देखो कितना तूफान जैसा हो रहा है, देख सकते आप की मेरे दिल में, इतनी हवाएं हो रही है और बहुत ठंडा लग रहा है क्लाइमेट, इतनी बारिश हो रही है ना, देख सकते हैं आप, देखो कितने जोर में हवाएं आ रही है, आवाज़ भी सुन सकते हैं हवाओं का।